हेलो फ्रेंड्स, यार सीमैट के बारे में काफी सारे बच्चे एक बात पूछ रहे हैं। सर, स्कोर परसेंटाइल और कॉलेज का हमें एक चार्ट बना के दे दो कि कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल आएगी एंड उस परसेंटाइल पे कौन कौन से कॉलेजेस से हमें कॉल आ जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ स्कोर परसेंटाइल और कॉलेजेस फॉर द सीमैट एग्जाम एंड साथ में 1 मंथ में भाई आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ पे आपको फोकस करना है कि आपका जो एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होने। देखो, एक बात ध्यान रखना, अभी जो है काफी सारे बच्चे डीमोटिवेटेड हैं कैट के बाद, आईएफटी के बाद, स्नैप के बाद, तो वो सीमैट पे इतना फोकस नहीं कर रहे। तो इस अपॉर्चुनिटी को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि भाई 28 जनवरी को जो सीमैट का एग्जाम होगा उसमें आपका कॉम्पिटिशन ऑटोमेटिकली 50% हो चुका है, क्योंकि काफी बच्चा भाई गिव अप कर चुका है। तो अगर आप अभी पूरा का पूरा 1 मंथ डेडिकेट कर देते हो तो यू कैन लैंड अप इन द बेस्ट ऑफ द बी स्कूल। तो अगर हम कॉलेजेस की कुछ बात करें तो एक मैंने कोशिश करी कंपैरिजन बनाने की, तो 80% से कम पे देखो बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे 80 से। भाई 400 मार्क्स का पेपर होता है, 100 टोटल क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, ठीक है। तो आपके अगर 165 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको भाई 80% आएगी, एंड जो आपकी कॉल आएगी वो NIA PG DM से कॉल आ जाएगी, IFMR चेन्नई से कॉल आ जाएगी। उसके बाद अगर आप देखोगे 90% है, तो 90% लगभग 205 मार्क्स पे आती है, जहाँ पे आपको गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट PGDM कोर्स से कॉल आ जाएगी, ग्रेट लेक्स का प्रोफाइल बेस से कॉल आ जाएगी। उसके बाद अगर आप देखोगे 225 95%, यहाँ से आपके काफ़ी अच्छे कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं, तो KG सोमाया PGDM से कॉल आ जाएगी, ग्रेट लेक्स का कॉल आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे 98% आ जाती तो MET MMS कोर्स से कॉल आ जाएगी, देन 99 पे पुम्बा के MMS से कॉल आ जाएगी, देन डालमिया के MMS हो गया, जेवियर के MMS हो गया 99.5, जो आप कहेंगे 270 के स्कोर पे। उसके बाद अगर आप देखोगे वेलिंगर का MMS, भाई आपका 85 पे वेलिंगर PGDM था, यहाँ पे वेलिंगर MMS है, तो वो आपको भाई 280 स्कोर पे लगभग जो 99.7% है वहाँ पे कॉल आ जाएगी। देन KG सोमाया अगर आप MMS टारगेट कर रहे हो तो 99.9, जिसमें आपको 290 मार्क्स चाहिए। एंड देन अगर आप टारगेट कर रहे हो सिडनम, तो सिडनम के लिए आपको लगभग 295 मार्क्स चाहिए, चाहे PGDM हो चाहे MMS हो। देन JBIMS के लिए भाई आपको चाहिए 99.99%, दैट मीन्स लगभग 315 मार्क्स। भाई पेपर जो है इजी आता है, अचीवेबल स्कोर है, भाई आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आपने यहाँ पे क्रैक कर लिया तो। अभी भी आप देखो इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, चाहे आप डालमिया की बात करो, वेलिंगर, KG सोमाया, सिडनम, JBIMS, तो दीज आर फैंटास्टिक कॉलेजेस। तो भाई टारगेट करो इन कॉलेजेस को, ताकि बाद में ये रिग्रेट नहीं रहे कि अरे सर सीमैट तो क्रैक हो जाता बट मैं उस टाइम फोकस लूज कर गया था, ठीक है। तो ये बात हमारे माइंड में रेडी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, कैसे कैसे करना है। तो अगर मैं बात करूँ तो 4 सब्जेक्ट्स आपके आने हैं, क्वांट आना है आपका भाई, इसी क्वांट में DI आना है, देन आपका GK का सेक्शन हो गया, GK के सेक्शन के बाद अगर आप देखोगे तो आपका वर्बल आना है, एंड वर्बल के बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग आना है। तो ये हमारे सामने 4 टॉपिक्स हो गए। अब हमें देखना है भाई इसमें क्या क्या टॉपिक्स है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वांट्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भाई नंबर सिस्टम हो गया, ये पूछा जाता है, उसका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, देन मिक्सचर एलिगेशन, एवरेजेस, रेशोस, इक्वेशंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो मेजर मेजर जो आप डोमिनेंस देखोगे वो अरिथमेटिक की डोमिनेंस यहाँ पे देखोगे, अरिथमेटिक के साथ भाई ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड DI की बात करोगे तो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, टेबल, केस लेट, चार्ट, डायग्राम, पाई चार्ट्स, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं GK की बात करूँ तो GK में अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन आपके भाई कुछ क्वेश्चन आपके करंट GK के होंगे, कुछ आपके स्टैटिक GK होंगे, तो यहाँ पे आपको दोनों करके जाना है। हाँ, ये ध्यान रखना भाई करंट अफेयर जो आ रहे हैं उसमें आपको इंटरनेशनल अफेयर कुछ कुछ, उसके बाद भाई जो स्टैटिक GK आ रहे हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूछा जाता है, करंट में आपका बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं वर्बल की, तो वर्बल में जो आपके मेजॉरिटी ऑफ द डोमिनेंस रहती है वो आपकी वोकैबुलरी हो गया, वोकैबुलरी के साथ आपके जो क्वेश्चंस होते हैं सिनोनिम, एंटोनिम्स, वो आते हैं, देन आपके ग्रामर एरर के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैरा जंबल्स हो गया, तो ये टॉपिक्स है जो वर्बल में डोमिनेट करेंगे। देन अगर आप LR की बात करोगे तो LR में भाई आपका क्रिटिकल रीजनिंग यहाँ पे पूछा जाएगा, जिसमें आपके ट्रू फॉल्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट, पजल बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे पूछे जाते हैं। देन भाई आपके ये जो बेसिक LR के क्वेश्चन होते हैं, सीरीज, कोडिंग, डीकोडिंग, रैंकिंग, अल्फाबेट, ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो मोर एंड लेस ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, कुछ एडिशनल टॉपिक आपको करने हैं, आपको जो लेवल करना है उसके हिसाब के आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा एडवांस पढ़ रहे हो जो पेपर में आ ही नहीं रहा, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो वो ऑफ ट्रैक पढ़ रहे हो। तो इसीलिए भाई हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है 25th of December से भाई नया बैच हो रहा है। आपको पता है पहले जो बैच हुआ था वो 12th of December से था, अब 25th December से नया बैच हो रहा है, ये वाला फुल हो चुका है। इसमें भाई 1 मंथ में पूरी की पूरी सीमैट की प्रिपरेशन तरीके से भाई टू द पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही हम लोग यहाँ पे
करेंगे तो आपके साथ होगा क्या, हर दिन आपको भाई 4 वीडियोस आएंगी, उन वीडियोस को आप देखोगे भाई, एक LR की होगी, DI की होगी, देन आपकी क्वांट की होगी, GK की होगी, जिसमें मैं आपको स्टैटिक करंट पूरा कराऊंगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, चाहे करंट अफेयर्स हो या फिर बिजनेस अवेयरनेस हो, सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। सेम गोज विथ क्वांट, LRDI। उन वीडियोज के बाद आपको भाई डेली बेसिस पर असाइनमेंट मिलेंगे, वो असाइनमेंट को आप सॉल्व करोगे एंड इसके वीडियो सॉल्यूशंस आप देखोगे। आप ये देखोगे भाई मेरे कितने सही हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो भाई यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ आपकी प्रैक्टिस हुई और यहाँ पे आपका एनालिसिस हुआ, आपने कहाँ स्टैंड किया। तो इसके बाद आपको कोई डाउट आएगा तो आप मेरे साथ उसको डिस्कस करोगे, ठीक है। तो ये पूरी पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी, डेली बेसिस पे मुझे आपसे चाहिए होंगे 3 to 4 hours, जिसमें आप पूरी की पूरी सफिशियंट तरीके से प्रेपरेशन इसकी कर सकते हो। इसके साथ भाई मैं आपको दूंगा 11 फुल लेंथ मॉक, एंड इस फुल लेंथ मॉक को कब देना, कैसे देना, इसका एनालिसिस पूरा का पूरा, कहाँ पे आप स्टैंड करते हो ऑल ओवर इंडिया में, अभी कितने मार्क्स बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पे एरियाज है जहाँ पे आपको फोकस करना है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये मॉक्स आपको प्रोवाइड करूंगा, जो आप ऑनलाइन दोगे आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, एंड इस तरह से पूरे प्रिपरेशन हम लोग कर लेंगे। इतना करने के बाद यू विल बी 100% कॉन्फिडेंस कि भाई जो मैंने सीमैट की तैयारी यहाँ पे की है ये इनफ है, मोर देन इनफ, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना। तो जो सारी की सारी डिटेल्स है वो आपके सामने ये रही भाई, जो मैंने आपको बताया सारे आपके कॉन्सेप्ट वीडियोज जो हो गई, देन आपको असाइनमेंट्स एंड देन आपके डाउट सेशंस एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। जो नेशनल लेवल के टेस्ट सीरीज है उसमें 11 फुल लेंथ मॉक आपको मिलेंगे, जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग डिटेल्ड एनालिसिस अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस आपके सामने आएंगे। देन आपको 5 सेक्शनल मॉक्स दूंगा GK के, ताकि आप बिल्कुल अपडेटेड रहो टू द पॉइंट, ठीक है। इसका जो पूरा पूरा फीस स्ट्रक्चर है, दैट इज ₹3,500 फॉर वीडियोस, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट सीरीज, ₹3,000 फॉर वीडियोस एंड जस्ट असाइनमेंट्स, एंड ₹800 अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है। बैच स्टार्ट हो जाएगा 25 दिसंबर से, भाई रजिस्टर करना है तो करके खत्म करो, एंड मोमेंट पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, देन भाई काफ़ी सारे बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, बेकार में मिस हो जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि 1 month का टाइम है, उसको भाई तरीके से अगर आप डेडिकेट कर सकते हो, मैं जिस तरह का प्लान आपको बता रहा हूँ वो अगर आपने 30 days में फॉलो कर लिया तो यू विल बी 100% प्रिपेयर्ड फॉर योर CMAT एग्जाम। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप कर दो 9995839 3705 पर, मैं आपको सारी की सारी डिटेल सेंड कर दूंगा, एंड देन यू कैन बिगिन विद द प्रिपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है। आपको उस जनता का पार्ट नहीं बनना जो इस समय डिमोटिवेटेड है, आपको उस जनता का पार्ट बनना है जिन्होंने इस साल एक अच्छे MBA कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।